हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ हम लोग को बंगाली एक डिश है, स्वीट डिश है, उसको कहते हैं शॉर्ट पुड़िया। वो कुछ कलाकांत की तरह ही है, उसमें भी खोया पड़ता है, पनीर पड़ता है और मलाई, दूध की मलाई, वो आप एक कटोरा चाहिए उसमें। आधा किलो दूध का मैंने खोआ बना लिया है और आधा किलो पनीर बनाया है। अभी ये देख लीजिए इसका रेशियो कैसा है। ये कालाकांत की तरह ही है, सिमिलर। तो ये आज मैं बनाने जा रही हूँ, देख लीजिएगा। ये देख लीजिए, ये पनीर लिया है, ये आधा किलो का दूध का मैंने पनीर को फाड़ करके ले लिया है, ओके। और ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, इसको खोया बना के रखा है, ठीक है, दूध को जला करके खोया बना के रखा है। और ये मेरा एक दिन का मलाई है, दूध की मलाई, दूध की मलाई को लिया है मैंने। और थोड़ा सा काजू, किशमिश और ये पिस्ता है ये, ओके। काजू नहीं लिया है मैंने, पिस्ता, अखरोट लिया है और किशमिश लिया है, ओके, ठीक है। अब मैं इधर गैस जला दूंगी, गैस जला करके इसको गरम करने दिया है। ये देख लीजिए कढ़ाई चढ़ा है मेरा, और इसमें घी पड़ेगा अभी। ओके, ये देखिए, ये कढ़ाई चढ़ा है, अब मैं घी डालूंगी इसमें। एक चम्मच घी पड़ेगा, ये एक चम्मच घी पड़ेगा, घर का घी है। अब इसमें जाएगा थोड़ा किशमिश, मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। थोड़ा सा अखरोट ले रही हूँ, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूंगी। काजू इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। अगर आपके पास काजू भी हो तो दे दीजिएगा। और इसमें पिस्ता मैंने बाद में देना है। ये देने के बाद अब मैं इसमें सबसे पहले ये पनीर को दूंगी। खोया को दूंगी, और ये मलाई को भी दे दूंगी। ये दूध की मलाई है, ये एक ही दिन का है केवल। चार चम्मच, ये छोटी चम्मच है, टीस्पून है, तो इसको चार चम्मच, चार पांच चम्मच दे दूंगी। चीनी घुल जाएगा, चार चम्मच ही दूंगी, ज़्यादा मीठा हो जाएगा फिर। तीन गया, ये चार। हल्का मीठा अच्छा लगता है,
बंगाली में सौर पुड़िया कहते हैं, लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से ये कलाकांत की तरह ही है। अब इसमें जाएगा एक चम्मच, इसको हरी इलायची को मैंने कूट करके डाल दिया है, सब एक साथ जाएगा। अब गैस तेज करके मैं इसको पकाती रहूंगी। पकाने के बाद एक डो की तरह हो जाएगा, डो के फॉर्म में, तब मैं इसको पकाती रहूं, फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। ये देखिए, ये मेरा हो गया है, पूरा डो की तरह बन गया है। ठीक है, बहुत जल्दी ही पक जाता है ये, और ये भगवान को चढ़ाने के लिए, आज वैसे मेरा व्रत दोष का व्रत है, इसीलिए आज इसको मैं भगवान को चढ़ाने के लिए ही बना रही हूँ। ओके, ये एक डो बन गया है। अब ये देखिए, इधर मैं थोड़ा सा, ये मैंने केक मोल्ड लिया है, और केक मोल्ड में अब मैं इसमें थोड़ा ग्रीस कर लूँगी, घी का ग्रीस कर लूँगी थोड़ा। अब मैं इसको सेट कर गरम है ऐसे, गैस बंद करके मैं इसको अच्छी तरह से गरम है, हाथ में लग जाएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा एक जैसा कर दूंगी। देखिए अच्छा बन गया ना। अब मैं इसमें पेस्ता डाल दूंगी थोड़ा।
थोड़ी देर में ठंडा होने तक रूम टेम्परेचर में डालूंगी, उसके बाद उसको फ्रिज में डाल दूंगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। ओके, फिर मैं आकर के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, एकदम सेट हो जाएगा उसके बाद में। आ रही, ये देखिए मेरा सेट हो गया है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। से मैंने निकाल दिया और अब पीसेस करूंगी। देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। इसको बंगाली में कहते हैं सौर पुड़िया। मीठा बहुत कम पड़ता है। अब मैं सारे को सजा के फिर आ रही हूँ। ये देखिए, ये कलाकांत आपके यहाँ और हमारी वहाँ बोला जाता है इसको सौर पुड़िया। ओके, ये मीठा आज मेरा व्रत है, इसलिए भगवान को चढ़ाऊंगी, इसीलिए मैंने आज बनाया है, आप लोग को भी दिखा दिया। आप लोग आराम से घर में थोड़ी सी पनीर, अगर दूध है थोड़ी सी पनीर बना लीजिए, थोड़ी सी खोआ बना लीजिए। सभी के घर में सब कुछ, ये घर में सब मटेरियल है, कोई बाहर से कोई लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। थोड़ा सा है जो कलछुल चलाना पड़ेगा, ये और कुछ नहीं।